नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर, आज आप लोगों से यूपी टेट से संबंधित मैं समास प्रकरण की चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं समास प्रकरणम। समास प्रकरणम, समास शब्द जो है सम उपसर्ग असुधातु, सम उपसर्ग असु असुधातु में घई प्रत्यय लगा करके बना हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? घई प्रत्यय लगा करके बना हुआ है। सम असु घई, सम असु घई प्रत्यय लगा करके बना हुआ है समास। समास ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण करना, संक्षेपीकरण करना अर्थात एकत्रीकरण करना, एकत्रीकरण करना, एकत्र करना। कहा कि समास की परिभाषा लिखते हुए इसमें सूत्र है कि पदानाम लुप्यते, पदानाम लुप्यते यत्र, पदानाम लुप्यते, पदानाम लुप्यते यत्र प्रायः स्वाह 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 विभक्तयः, विभक्तयः। पदानाम लुप्यते यत्र प्रायः, प्रायः स्वाह स्वाह विभक्तयः पुनरेक पदी भावः, पुनरेक पदीय भावः समासम उच्यते तदा, समास मुच्यते, मुच्यते तदा। पुनरेक पदी, पुनरेक पदी भावः समास मुच्यते तदा। तो देखिए पदानाम लुप्यते, जहाँ पर पदों में कहा, जहाँ पर पदों में अपनी अपनी विभक्तियों का प्रायः लोप्यते माने लोप हो जाता है, यत्र माने जहाँ पर, कहा जहाँ पर प्रायः अपनी अपनी विभक्तियों का पदों के, कहा पदों में प्रायः जहाँ पर अपनी अपनी विभक्तियों का लोप हो जाता है तथा पुनः एक पद में हुए भाव को, कहा पुनः एक पद में हो जाने के भाव को समास उच्यते माने कहते हैं। तदा माने तब, वहां पर पुनः एक पद में हो जाने के भाव को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जहां पर प्रायः समास की विभक्तियों का लोप हो जाता है और पुनः वे एक पद में हो जाते हैं, ऐसे भाव को समास कहते हैं। कहा जैसे, जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः। अब यहाँ पर अपनी अपनी विभक्तियों का जब लोप हो जाएगा, पुनः जब एक पद में हो जाते हैं, तो यही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है न, पुनः जहाँ पर ये अपनी अपनी विभक्तियों का, राज्ञः पुरुषः माने अपनी, देखिए ना राज्ञः में षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है और पुरुषः में प्रथमा एक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इन जहाँ षष्ठी विभक्ति अर्थात अन्य विभक्तियों का, जहाँ पर अपनी अपनी विभक्तियों का लोप होकर के पुनः एक पद में हो जाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अर्थात अब यहाँ देखिए, दो पद जो हैं आपस में अपनी अपनी विभक्तियों में विभक्त हैं, विभाजित हैं, पुनः इन दो पदों को एक पद में कर देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अर्थात संक्षिप्त कर देना समास कहलाता है, अर्थात एकत्रित कर देना समास कहलाता है, अर्थात दो या दो से अधिक पदों के योग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक अधिक पदों के योग को, योग को, दो या दो से अधिक पदों के योग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जहां पर दो या दो से अधिक पदों का योग होता है, वहां पर समास होता है। ठीक है ना? तो कहा पदानाम लोप्यते यात्र प्रायः स्वाह स्वाह विभक्तयः पुनरेक पदी भावः
समासमुच्यते तदा। कहा यत्र माने जहां पर प्रायः पदों की अपनी अपनी विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है और वहां पर पुनः एक पद में हुए भाव को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अर्थात समास जो होता है वह पदों में होता है, समास जो होता है वह पदों में होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक पदों के योग को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, एकत्रीकरण करना, संक्षिप्त कर देना, एकत्र कर देना ही समास कहलाता है। ये सब प्रश्न है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा समास होता है पदों में, वर्णों में, दोनों में, किसी में नहीं। तो समास जो होता है पदों में होता है। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त कर देना, एकत्रीकरण कर देना, ठीक है ना। जहां पर दो या दो से अधिक विभक्तियों का लोप करके पुनः एक पद में कर देना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के अलगाव को क्या कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदों के अलगाव को विग्रह कहते हैं, ठीक है ना। कहा दो या दो से अधिक पदों के अलगाव को विग्रह कहते हैं। विग्रह कहते हैं। और यह कितने प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक लौकिक विग्रह होता है, लौकिक विग्रह, और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह में जैसे हमने आपसे कहा राज्ञः पुरुषः, ठीक ना, यह लौकिक विग्रह है। राज्ञः पुरुषः यह क्या है, यह लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह में क्या होगा, राजन गसी पुरुष सु, राजन गसी पुरुष सु, ठीक ना, राजन गसी और पुरुष सु, यह अलौकिक विग्रह है। इसमें क्या है, यह जो गसी है और जो यह सु है, ये सुप प्रत्यय हैं। सु औजस अम औस टा भ्याम भीस गे भ्याम भ्यस गस भ्याम भ्यस, ठीक ना, गसी ओस आम गी ओस सुप। तो जो ये प्रत्यय लगाए गए हैं, ये षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय है और यह प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पर राजा में षष्ठी विभक्ति है और पुरुष में प्रथमा विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय गस होता है। जब प्रत्ययों में विभक्त कर देते हैं तो वह अलौकिक विग्रह होता है, और जब विभक्ति हम लगा देते हैं तो वह लौकिक विग्रह होता है, ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक पदों के अलगाव को विग्रह कहते हैं। यह विग्रह दो प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक होता है, ठीक है ना। समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। समास होता कहाँ पर है, समास पदों में होता है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक पदों सामासिक पदों के अलगाव को क्या कहते हैं, तो दो या दो से अधिक सामासिक पदों के अलगाव को विग्रह कहते हैं। और विग्रह यह दो प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक होता है, ठीक। अब आइए हम बात करते हैं आपसे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वैसे संस्कृत में जो है समासः पंचधा, समास पांच प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके यूपी टेट में आयोग जो है, आपका पीएनपी जो आयोग है, वह छह मानता है। इसलिए आपको भी समासों की संख्या में छह ही लगाना होगा, ठीक है ना। लेकिन जबकि अगर देखा जाए तो मुख्यतः जो समास संस्कृत में बताए गए हैं वह पांच ही बताए गए हैं,
लेकिन अब आयोग जो यूपी टेट से संबंधित जो आयोग है यह जो है छह मानता है। इसलिए आप भी समासों की संख्या में छह लगाएंगे, ठीक है। समास देखिए, इसका मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं समास का, अ त द्व ब, अ त द्व के अत द्व के अ त द्व, ठीक है ना, के अ त द्व के अ त द्व ब, यही समास पांच हैं संस्कृत में, यही पांच समास माने गए हैं। के माने होता है केवल समास, केवल समास। अ माने अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। त माने होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। तत्पुरुष के दो भेद हैं, तत्पुरुष के दो भेद हैं कौन कौन, व्यधिकरण समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास, और समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण का इसको जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा विधन अधिकरण, विधन अधिकरण। अधिकरण माने होता है आधार, अधिकरण माने क्या होता है आधार। वि माने होता है अलग अलग, वि माने अलग अलग, जिसका अलग अलग आधार हो उसे व्यधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और समानाधिकरण का मतलब होता है समान धन अधिकरण, समान धन अधिकरण। समान माने जिसका एक समान आधार हो, अर्थात दोनों पद प्रथमांत हो, दोनों पद प्रथमा विभक्ति में हो, उसे समानाधिकरण कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें दोनों पद प्रथमा पूर्व पद द्वितीया में, उत्तर पद प्रथमा में, पूर्व पद तृतीया में, उत्तर पद प्रथमा में, पूर्व पद चतुर्थी में, उत्तर पद प्रथमा में, पूर्व पद पंचमी में, उत्तर पद प्रथमा में, पूर्व पद षष्ठी में, उत्तर पद प्रथमा में, पूर्व पद सप्तमी में, उत्तर पद प्रथमा में होता है उसे व्यधिकरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ व्यधिकरण में कौन सी संधि है, तो व्यधिकरण में जो है यण संधि है। देखिए विधन अधिकरण ई का यह हो गया है यण संधि है, और समानाधिकरण में कौन संधि है, समान न में अ है फिर आ है, छुटकवा बड़कवा मिलकर का हो गया बड़कवा, दीर्घ संधि है यहाँ पर। समानाधिकरण में दीर्घ संधि है और व्यधिकरण में यण संधि है। तो व्यधिकरण के जो भेद होते हैं वह छह भेद होते हैं, कौन कौन, द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है। और समानाधिकरण का जो भेद होता है, जो समानाधिकरण का भेद है वह है कर्मधारय। समानाधिकरण का भेद क्या है, कर्मधारय, कर्मधारय यह समानाधिकरण तत्पुरुष का भेद है। और यह जो होता है प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्मधारय समास का दोनों पद जो होते हैं वह प्रथमा विभक्ति में होते हैं। किस विभक्ति में होते हैं, प्रथमा विभक्ति में होते हैं। और कर्मधारय का जो भेद है वह है द्विगु समास, द्विगु समास है कर्मधारय का जो भेद है वह द्विगु है, ठीक है ना। अब यहाँ पर द्वितीया तत्पुरुष समानाधिकरण, तत्पुरुष व्यधिकरण, तृतीया तत्पुरुष व्यधिकरण, चतुर्थी व्यधिकरण तत्पुरुष, पंचमी व्यधिकरण तत्पुरुष, षष्ठी व्यधिकरण तत्पुरुष और सप्तमी व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं द्वंद समास की। द्व माने, द्व माने क्या होता है, द्व माने द्वंद्व, द्वंद्व समास। द्वंद के भी तीन भेद होते हैं, द्वंद के भी तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद समास, इतरेतर द्वंद समास, समाहार द्वंद समास और एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद समास, ठीक है। उसके बाद फिर ब माने होता है बहुव्रीहि, ब माने बहुव्रीहि, बहु माने, ब माने बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के भी दो भेद होते हैं, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास के भी दो भेद होते हैं, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास और
समानाधिकरण बहुव्रीही समास, समानाधिकरण करण बहुव्रीही समास, व्यधिकरण बहुव्रीही समास और समानाधिकरण बहुव्रीही समास, नहीं नहीं उल्ट समानाधिकरण और व्यधिकरण ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, समानाधिकरण बहुव्रीही समास और व्यधिकरण इस प्रकार से होता है इसका, व्यधिकरण व्यधिकरण बहुव्रीही समास। समानाधिकरण के छह भेद होते हैं, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ठीक है ना। समानाधिकरण बहुव्रीही समास के छह भेद होते हैं, द्वितीया समानाधिकरण बहुव्रीही समास, तृतीया समानाधिकरण बहुव्रीही समास, चतुर्थी समानाधिकरण बहुव्रीही समास, पंचमी समानाधिकरण बहुव्रीही समास, षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीही समास और सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीही समास। और व्यधिकरण के एक ही भेद होते हैं, इसमें क्या होता है कि पूर्व पद जो होता है वह षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में होता है, पूर्व पद जो होता है इसमें प्रथमांत होता है, उत्तर पद जो होता है षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में होता है। व्यधिकरण में क्या होता है कि पूर्व पद प्रथमा में होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है और उत्तर पद जो होता है, उत्तर पद वह षष्ठी या सप्तमी में होता है, सप्तमी में होता है, ठीक है ना। जैसे चक्रपाणि है, चक्रपाणि है, चक्र पाणव या शेषह, तो पाणि शब्द जो है हाथ में होगा तो सप्तमी में होगा, चक्र है हाथ में जिसके वह कौन भगवान विष्णु, तो यह व्यधिकरण बहुव्रीही समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। और जो समानाधिकरण बहुव्रीही समास में है इसमें पूर्व पद जो होता है, दोनों पद जो होते हैं द्वितीय विभक्ति में होते हैं, द्वितीय में तृतीय में चतुर्थी में पंचमी में षष्ठी में सप्तमी में, ठीक है ना। जैसे प्राप्तोदकम, प्राप्तम उदकम यस्मिन सह, प्राप्त हो गया है पानी जिसमें, ऐसा वह गाँव, तो प्राप्तम उदकम, प्राप्तम भी द्वितीय में है और उदकम भी द्वितीय में है। और बहुव्रीही समास में जो होता है सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें यद का रूप याद हो, यद, यद का तीनों लिंगों का रूप होना बहुत जरूरी होता है, यद, यद, यह यौ ये यम यौ यान एन याभ्याम ये यस्मय याभ्याम येभ्य यस्माताभ्याम येभ्य यस यो येषाम यस्मिन यो येष, यद का रूप बहुव्रीही समास में बहुत जरूरी होता है। अगर यद का रूप नहीं याद है तो आपको इसमें समझना बड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए जब बहुव्रीही समास की चर्चा हम आपसे आगे करेंगे तब तक में आप जो हैं यद का तीनों लिंगों में आपको रूप याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इन समासों का विभाजन किया गया है। अब आपको समास छह हैं तो आपको अव्ययी भाव समास पढ़ना होगा, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विग समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीही समास है, एक दो तीन चार पाँच और छह, यही आपके समास बताए गए हैं। कौन कौन बताए गए हैं, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीही समास, यही छह समास आपको आपके कोर्स में बताया गया है, ठीक है ना। यही छह समास, तिन्हीं छह समासों के विषय में आपको पढ़ना है, लेकिन आपको केवल समास भी पढ़ना होगा संस्कृत में, ठीक है ना। क्यों पढ़ना होगा, क्योंकि कभी कभी यह उदाहरण पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना। जैसे भूतपूर्व में पूछ लिया कि भूतपूर्व में कौन समास है, तो भूतपूर्व में केवल समास है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। जबकि संस्कृत में मुख्य रूप से पाँच ही समास बताए गए हैं, ठीक है ना। समासः पंचधा, समासः पंचधा, धा माने प्रकार होता है, धा माने प्रकार होता है, धा माने प्रकार, ठीक है ना। समास पांच प्रकार के होते हैं ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी में बताया गया है, ठीक है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी जो किताब है, वरदराजाचार्य महोदय ने भी सिद्धांत कौमुदी में भी संस्कृत में पांच ही बताए गए हैं, लेकिन अब आयोग आपके सिलेबस में छह मानता है, तो आप कितने समास लगाएंगे, छह लगाएंगे, ठीक है। तो अब आज हम इतना ही चर्चा करते हैं आपसे, उसके बाद फिर अब मैं आपसे यहाँ से स्टार्ट करूँगा केवल समाज से, ठीक है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
नमः संस्कृताय।